संपत्ति के विभाजन के लिए पार्टियों के बीच एक पारिवारिक विवाद उत्पन्न हुआ, कौमा जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा गया। स्टॉप। विद्वान मध्यस्थ को पार्टियों द्वारा स्वयं 4/8/2008 को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। स्टॉप। विद्वान मध्यस्थ के लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए पक्षों को दिनांक 14/3/2009 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। स्टॉप। पक्षों के अनुरोध पर कमा मध्यस्थ ने 30/6/2009 को सुनवाई स्थगित कर दी। स्टॉप। शहर में एकमात्र मध्यस्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण 30/3/2009 को कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। स्टॉप। पैरा। मध्यस्थता कार्यवाही के एकमात्र मध्यस्थ के आदेश दिनांक 11/7/2009 को पक्षकारों ने पत्रों के माध्यम से रद्द कर दिया। स्टॉप। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पत्रों का उत्तर दिया गया था। स्टॉप। मध्यस्थता कार्यवाही के समापन में देरी के कारण मध्यस्थता कार्यवाही के पक्षकारों ने अधिनियम 1996 की धारा 14(1)(a) के तहत संबंधित न्यायालय कोष्ठक जिला न्यायालय कोष्ठक बंद के समक्ष एकमात्र मध्यस्थ के जनादेश को समाप्त करने के लिए आवेदन दायर किया। स्टॉप। पैरा। अपीलकर्ता ने अधिनियम 1996 की धारा 14 के तहत उक्त आवेदनों को खारिज करने के लिए CPC के आदेश 7(11) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया था कि एकमात्र मध्यस्थ की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी और इसलिए अधिनियम 1996 की धारा 14 उपधारा 1(a) के तहत एकमात्र मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने का कोई सवाल ही नहीं है। स्टॉप। आदेश दिनांक 15/7/2010 के तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने CPC के आदेश 7(11) के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया। स्टॉपरा। हालांकि इस तरह के विवाद को संबंधित अदालत द्वारा योग्यता के आधार पर तय किया जाना है, जिसके समक्ष अधिनियम की धारा 14 उपधारा 2 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और अधिक से अधिक इसे बचाव कहा जा सकता है, जिस पर निर्णय किया जाना था। स्टॉप। कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार CPC के आदेश 7(11) उपनियम 3 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में केवल आवेदन / वादपत्र में अनुमानों और आरोपों पर विचार किया जाना है, न कि लिखित बयान या उत्तर आवेदन पर। स्टॉप। अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने CPC के आदेश 7(11) के अधीन आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया। स्टॉप। पर उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और अपास्त करने योग्य है और तदनुसार रद्द और अपास्त किया जाता है। स्टॉप। अधिनियम 1996 की धारा 14 उपधारा 1(a) के तहत एकमात्र मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो गया हो या नहीं, पर
न्यायालय द्वारा अधिनियम कमा 1996 की धारा 14 उपधारा 2 के तहत दायर आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।